बसें आ जाएंगी, अगस्त तक और 1000 बसें आ जाएंगी और दिसंबर तक और 1000, तो दिसंबर के एंड तक हमारे पास 3000 बसेस होंगी एक्स्ट्रा, और फिर वो जारी रहेगा अगले साल की बसों को खरीदने का सिलसिला। इसके अलावा बीआरटी, एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर बनाने की चर्चा की जा रही है कि अभी तो बीआरटी कॉरिडोर सड़क नीचे ही था, उसकी वजह से तकलीफ थी, अब एलिवेटेड रोड बनाई जाएंगी जो केवल जिसपे केवल 2 मंजिला होंगी, एक पे गाड़ियां चलेंगी और दूसरे के ऊपर बसें चलेंगी। तो जिसपे केवल बसें चलेंगी तो आप समझ सकते हैं जैसे आज मेट्रो चलती है तो मेट्रो ऊपर चलती है, आप कह सकते हैं कि राजीव चौक से मंडी हाउस ऑफ फ्लैट 7 मिनट में पहुंच जाएगी, 8 मिनट में पहुंच जाएगा कह सकते हैं। उसी तरह से जब ऊपर केवल बसें चलेंगी तो उसपे जैसे आज मेट्रो स्टेशन है उस पर बस स्टेशन होंगे, तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली फिर सर्टेनिटी होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी और कंफर्टेबल जर्नी होगी। तो हमें उम्मीद है कि काफी लोग कार छोड़ के और बसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक इसको परमानेंट नहीं किया जा सकता, हालांकि लोगों की सहमति, लोगों की वो आ रही है कि इसको परमानेंट किया जाए। दूसरा, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि टू व्हीलर्स को क्यों नहीं इसमें करते। टू व्हीलर्स की भी वही प्रॉब्लम है जो पिछला 1 जनवरी से 15 जनवरी का हुआ था, उसमें ये निकल के आया कि जिन लोगों ने गाड़ियां छोड़ी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल किया, उसकी वजह से और इवन की वजह से जनवरी के महीने में मेट्रो की राइडरशिप केवल 0.4% बढ़ी और बसों की राइडरशिप केवल 7% बढ़ी। लेकिन अगर हम तो इसका मतलब जिन लोगों ने गाड़ियां छोड़ी वो उन्होंने कार पुलिंग की, लेकिन अगर हम टू व्हीलर्स को इसको टू व्हीलर्स पे लागू करेंगे तो टू व्हीलर्स लगभग 30-40 लाख टू व्हीलर है तो 15-20 लाख लोग वो सीधे मेट्रो और बसों के ऊपर आ जाएंगे। अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको डील करने की, ऐसा तकलीफ मच जाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा। तो जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होता तब तक टू व्हीलर्स को इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो अगला फेज हम लोग 15 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। 15 अप्रैल का कारण है कि 12 अप्रैल को बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, लार्जली खत्म हो रहे हैं, एक एग्जाम 22 अप्रैल को भी है पर वो बहुत माइनर सा छोटा सा है। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अगला फेज 15 दिन का चालू कर रहे हैं। उसके बाद एक ये आइडिया सीरियसली कंसिडर हो रहा है कि ये इसके फेज के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सीरियसली चर्चा हो रही है कि क्या हर महीने 15-15 दिन के लिए इसको किया जा सकता है, उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो इसको फाइनल ना माना जाए। ये दूसरे फेज के ट्रायल के बाद ये किया जाएगा। उसके फेवर में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि एक एक हर महीने में मान लीजिए 15-15 दिन किया जाता है तो उससे एक महीने के अंदर एक तरह से एक आदमी को 6 दिन की तकलीफ होती है, मैक्सिमम 6 या 7 दिन की तकलीफ होती है, उसका ऑड व्हीकल है तो 6 दिन उसको वो व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकता या इवन व्हीकल तो 6 दिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर दिल्ली के लोग साथ देते हैं तो 6 दिन अगर एक महीने में तकलीफ करके और हमें हर महीने 15 दिन की सहूलियत मिले तो ये सोचा जा सकता है अप्रैल के महीने के बाद इसको ट्राई करके, लेकिन इसके ऊपर अभी चर्चा है, ये फाइनल नहीं है। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का अगला फेज होगा। एग्जेम्पशंस कौन कौन सी होंगी इसके ऊपर अभी भी चर्चा है, जैसे जैसे फाइनल होती जाएंगी हम आप लोगों को। हाँ, महिला वाली एग्जेम्पशन रहेगी, महिलाओं का एग्जेम्पशन रहेगी। हाँ, एनफोर्समेंट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछली बार हमने अपने सारे एसडीएम को, सारे तहसीलदारों को इसके एनफोर्समेंट में लगाया था, जिसकी वजह से उन 15 दिनों में एसडीएम के दफ्तर के अंदर काम रुक गया था। इसको अब अगर हम करेंगे तो ये नहीं किया जा सकता, एसडीएम के दफ्तर का काम चलना चाहिए। तो लगभग 500 रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल को एम्प्लॉय किया जा रहा है एज ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, ट्रैफिक एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स के तौर पर इनको रिक्रूट किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक उनका रिक्रूटमेंट पूरा हो जाएगा और उनका ट्रेनिंग भी हो जाएगी और 250 के करीब एनफोर्समेंट की टीम्स इन डिफेंस वालों की
लीडरशिप में बनाई जाएगी, जो कि तो इस बार एसडीएम को उसको निकाला जाएगा, रिटायर्ड डिफेंस वाले इसका एनफोर्समेंट करेंगे। सर हम वीआईपी से निवेदन करेंगे, आप लोग हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हम झगड़ा करते हैं, तो हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम एग्जेम्पशन तो जारी रखेंगे, लेकिन जैसे चीफ जस्टिस ने ऑफ इंडिया ने वॉलंटरीली इसको फॉलो किया और उससे बहुत लोगों को एक उत्साह मिला, जजेस ने फॉलो किया हाईकोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट जजेस ने तो क्यों पर तो लागू था, तो साइकिल चलाई कई जजेस ने, तो हम चाहते हैं कि वो वॉलंटरीली जितने ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें तो उससे अच्छा इंस्पिरेशन उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी फाइनल करके बताएंगे। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बसेस बढ़ाई जाएंगी या फिर? हाँ बसेस बढ़ाई जाएंगी सर। पेनल्टी हाँ जी, इस पर चलान करेंगे, जैसे ट्रैफिक और एनफोर्समेंट की जो है चलान करेंगे, पहले से ट्रैफिक पिछली बार स्कूल की छुट्टी करके ये लागू कराया तो स्कूल की बसें कैसे लगाई जाएंगी या बस कैसे लगाई जाएगी? स्कूल के बाद में तो बसें बहुत कम थी, प्राइवेट जो बसेस हैं उनको लेंगे। अरे मोहित को लेना, इसे सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग फेज पे तैयारी आपने कर ली है, लेकिन स्कूल का सवाल ज्यादा गंभीर है क्योंकि पिछली बार बसेस नहीं दी गई थी, बसेस कहाँ से और कैसे कैसे लाई जा रही है? प्राइवेट बसेस हैं, वो 5,500 प्राइवेट कंट्रैक्ट कैरेज की बसें हैं, ठीक है, उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। केवल स्कूल की 300 बसें आई थी और वो बसों को हम इस बार नहीं लेंगे, स्कूल को जैसे चल रहा है चलेंगे, प्राइवेट कंट्रैक्ट कैरेज की बसों को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ हम जो पर्यावरण बस सेवा है उसको हम उसी को जो है कंटिन्यू रखेंगे। उन 5,500 बसों में से हम कुछ